अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, मैंने अपना ट्राइपॉड उठा लिया है, वीडियो बनाने जा रहा हूँ अपने चैनल की। ब्लॉगिंग की जो वीडियो है मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा हो चुका है। मैं सोचा कि मैं इसको सबका फायदा उठाता हूँ, मैं आज ही जाके वीडियो बना रहा हूँ बारिश के अंदर। उम्मीद है बारिश आ जाएगी, तो इसी बारिश के जिले में जा रहा हूँ कि बारिश आती है इंशाल्लाह मैं चैनल की वीडियो बनाता हूँ। ये जी मेरा खूबसूरत सा गांव है, और इसी में ही इंशाल्लाह ज़्यादातर मैं कवरेज दूंगा, मैं कवरेज इसी को दूंगा इंशाल्लाह अपने गांव को अपनी वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा। राशिद, ये जी हमारे गांव का मलंग था, मेरा गांव पाकिस्तान के प्रोविंस केपी के खैबर पख्तूनख्वा के सबसे जनूबी इलाका है, जनूबी ज़िला है डेरा इस्माइल खान। इसके साथ एक साइड पे बकर लिया और दूसरी साइड पे मियाँ वाली लगता है, और एक साइड पे जोब का इलाका लगता है, और एक साइड पे बलोचिस्तान जाके राजनपुर वगैरह भी दूर दूर जाके मिलते हैं। तो ज़िला ये डी ए खान जो है इसके साथ चारों सूबे मिलते हैं। ये जी हमारी ज़मीन है, यहाँ पे सामने छोटे खजूर के दरख्त हैं, वो मेरे हैं इस घर के साथ, और वो सामने पहाड़ हैं, वो सामने बिल्कुल दरख्तों के एंड पर, तो वहाँ पे जाना है। मौसम थोड़ा धुंधला धुंधला है, इसलिए वहाँ पे आपको भी यहाँ से पहाड़ नज़र नहीं आ रहे। ये जी सरसब्ज़ इलाका है मेरा, बाइक पे हूँ, हाथ मोबाइल में पकड़ा हुआ है इसलिए शायद ये थोड़ा सा मतलब वाइब्रेट कर रहे हैं।
इसके लिए माजरत, वाइब्रेशन जब तक मोटरसाइकिल रुकता नहीं है वाइब्रेशन लगी रहेगी, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जो हमारा सबसे यहाँ पे करीब तरीन हमारा जो है बस स्टॉप है, जिसको हम अपनी जबान अड्डा बोलते हैं, वो कीड़ी खसोर बस स्टॉप है, छोटा सा एक अड्डा है, तो वहाँ पे वहाँ वो सामने है, मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ इंशाल्लाह थोड़ी देर में। चश्मा राइट बैंक कनाल CRBC के आसपास पहुंच चुका हूं, ये बल्कि CRBC के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। यहां से मैं आपको थोड़ी सी नहर का व्यू दिखाऊंगा। क्या दिख रहे अच्छा, ये चश्मा राइट बैंक कनाल है, ये जी नहर है CRBC। कैमरा साफ कर रहा था, साइकिल बंद हो गई है, कहाँ से चलाया नहीं जा रहा। चलिए जी स्टार्ट हो गया। माशाल्लाह खूबसूरत नहर है ये, चश्मा से निकल के दमान के इलाके तक जाती है, दमान ज़िला डेरा इस्माइल खान। तो मैं अभी जा रहा हूँ, ये खसोर बस स्टॉप पे पहुँच चुका हूँ। खैर है सर जी, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ कीड़ी खसोर बस स्टॉप पे, तो इसके बाद मैं भी जा रहा हूँ पहाड़ों की तरफ, वहाँ से मैं इसकी जो बकायदा में वीडियो है वो बनाऊंगा। ये देखें जी, बड़ा सा सब इलाका है हमारा इलाका, यहाँ से देखें खजूरों के दरख्त हैं, यहाँ पर हर किस्म के फल फ्रूट होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका माशाल्लाह हमारा इलाका। ये देखें जी पीछे पहाड़ हैं, कोहे खैसोर, खैसोर के पहाड़ हैं यहाँ पर। ये सामने गवर्नमेंट हाई स्कूल कीड़ी खसोर और सामने वाइट जो दीवार नज़र आ रही है, इससे आगे यहाँ पे ये सारे पहाड़ हैं, यहाँ से आगे पहाड़ी सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। ये देखें जी सामने स्टोन क्रशर्स लगी हुई हैं, वो सामने कीड़ी खसोर पुलिस का अड्डा थाना है। ये हमारे तहसील के अंदर 2-3 थाने हैं, उनमें से एक थाना बड़ा थाना ये भी है। ऊपर सामने थाने की बिल्डिंग है। अब मैं कोहे खसोर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा एलिवेशन पे जा रहा हूँ।
आगे जा रही है ट्रैक्टर, उसके अंदर मजदूर बैठे हुए हैं। ट्रैक्टर वाला मुझे रास्ता नहीं दे रहा, क्या करूं यार अब, चलो रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। असल में एक हाथ से चला रहा हूँ, ख़तरा मोल नहीं लेना चाह रहा फ़िलहाल मैं। चलो जाओ, रास्ता थोड़ा क्लियर हुआ है। ये सामने वाला पहाड़ है, मैंने वहाँ पे जाना है, मेरा टारगेट वो जगह है, वो सामने खंबे से पीछे। तुम होगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। थोड़ा सा गुनगुना दिया मैंने, अगर मेरी आवाज़ बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, अच्छी लगी हो तो उसके लिए शुक्रिया। कोई फीलिंग आई हो तो कोई मसला नहीं है, चलता रहता है पाकिस्तान में सब कुछ। तो सर जी, मैं पहाड़ों में के करीब पहुंच रहा हूं, यहां से मैं राइट टर्न लूँगा। राइट टर्न लेने के साथ ही फ़ौरन चढ़ाइयाँ स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी, मेरा मोटरसाइकिल भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी छोटा सीडी मोटरसाइकिल है, 100 नहीं था घर में, तो मैंने कहा चलो सीडी मोटरसाइकिल बजाता हूँ। बिस्मिल्लाह 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 सोने हो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सोने हो, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, क्या खूबसूरत पहाड़ हैं जी, क्या खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत ज़िगज़ैग रोड्स हैं, माशाल्लाह। La 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 la
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या खूबसूरत पहाड़ हैं, क्या खूबसूरत मौसम है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस दुआ करें जी बारिश स्टार्ट हो जाए, बारिश आ गई तो उस बारिश के अंदर व्लॉगिंग का मज़ा ही अपना होगा सर। नानो अपना बना वड़दी, तेनो अपना बना वड़दी, साड़ी कोशिश जारी है, तू दिल विच वट रख दे ये गल बहुत सारी है। ला 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 ला। मोटरसाइकिल भाई थक चुका है मेरे ख्याल में, ट्राई काफ़ी ज़्यादा हम लोग चढ़ ऊपर आ गए पहाड़ों में, काफ़ी हाइट के ऊपर आ गए हम लोग। तो जी मैं उस मुकाम पे पहुंचने वाला हूं जहां से मैंने वीडियो शूट करना है। मुझे लग रहा है कि बारिश के कतरे भी आना स्टार्ट हो गए, लग रहे प्रॉपर बारिश हो जाए सही अच्छी खासी, मज़ा आ जाएगा। अच्छा देखिए जी, मैं वो सामने मैदानी इलाके से आया हूँ, तकरीबन 16 मिनट की कंजेक्टिव वीडियो है मेरे, वीडियो में चला रहा हूँ 16 मिनट से लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मैं यहाँ पे अपना एक पड़ाव करता हूँ, छोटी सी जगह है यहाँ पे, थोड़ा सा आसरा लेता हूँ मैं यहाँ पे। जी हाँ यहाँ पे लो जी मैं पहुँच गया हूँ माशाल्लाह से जगह पे जहाँ मैं चाह रहा था कि मैं वहाँ जा के वहाँ से वीडियो बनाऊँ। तो जी ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा वो है, मौसम अच्छा बना हुआ है, बारिश का सीन ऑन लग रहा है मुझे। तो ये मैं ज़रा इसको रखता हूँ यहाँ पे मोबाइल को अपने कपड़े के साथ, इसको इधर टायर के साथ रखता हूँ और उसके बाद मैं अपने ट्राईपॉड की सेटिंग करता हूँ। बाद मेरा जलने लगा था। ऐसे देखता हूँ मैं कहाँ पे जा सकता हूँ। ये मैं जाता हूँ यहाँ पे ट्राईपॉड हो गया सेट जनाब यहाँ पे, यहाँ से मैं वीडियो करूँगा शूट, दुआ करें बारिश हो जाए स्टार्ट। तो यहाँ मैं इसको एडजस्ट करूँगा अपने ट्राईपॉड में। ये जी ट्राईपॉड है मेरा, सस्ता सा मैंने लिया था, इतना महंगा वाला नहीं है, बाद में टूट भी गया था, फिर मैंने किसी तरीके से इसको ना जॉइंट किया हुआ है। मैंने ट्राईपॉड का अपने मोबाइल को फिक्स कर लिया, मेरे पास तो छोटा सा मोबाइल है, वीवो S1 है, इतना अच्छा मोबाइल नहीं है, तो इतना जूम अच्छा तो नहीं हुआ जी। ये सारा इलाका है खसोर माउंटेन्स, खसोर इसको उर्दू में बोलते हैं हम लोग। ये जनाब मौसम धुंधला है इसलिए वीडियो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं आ रही, जितना इसका कैमरा है उस हिसाब से इसकी वीडियो अच्छी नहीं आ रही। चलो एनी हाउ मैं तो बारिश के लिए आया था, लग रहा बारिश आ जाए, बारिश ना आई तो फिर बस क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा।
ये देखें यहाँ से जब बारिश आती है तो यानी कि पानी यहाँ से होके नीचे जाता है। वो सामने जिग जैग पहाड़ है जहाँ रोड है जहाँ से मैं आया था वो नीचे जा रहा है। तो मेरा घर ऑलमोस्ट उस जगह पे, वो जो वहाँ पे सफ़ेद जगह नज़र आ रही है उस तरफ मेरा घर, काफ़ी हाइट पे मैं आ चुका हूँ। इधर पहाड़ है ये जी, कोई लोग जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, तब मेरा कैमरा ऑफ था। इस छोटे से पहाड़ों के ऊपर से काफ़ी लोगों के आना जाना लगा रहता है, आमदोरफ्त लगी रहती है। और ये खसोर के पहाड़ हैं, कोह खसोर इनका नाम है। और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके, इतनी बेहतरीन लुक पे है ना ये। बस थोड़े से इन पहाड़ों के ऊपर दरख्तों की कमी है, ये खुश्क पहाड़ हैं, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी यहाँ पे भी ज़्यादा दरख्त उग जाएंगे। तो यहाँ दरख्त जब उग गए तो फिर इसके बाद ये बहुत ज़बरदस्त इलाका बन जाएगा टूरिज़म के लिए। ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस पार्ट काफ़ी मज़े के, यहाँ पे यहाँ आस पास में काफ़ी जगह ऐसी हैं, यहाँ पे इधर भी इस साइड पर यहाँ पर कुछ ना कुछ होटल्स बन सकते हैं, कुछ पॉइंट बन सकते हैं, पिकनिक पॉइंट बन सकते हैं। बस कमी सिर्फ इस चीज़ की है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा यहाँ पे फंड दे दे और इस जगह को डेवलप किया जाए। बहुत बैकवर्ड एरियाज़ हैं आसपास में, तो अगर यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की तवज्जो हो जाती है तो इंशाल्लाह टूरिज़म के लिए ये छोटा सा एक स्पॉट बन जाएगा। अब मैं ज़रा जूम करके देखता हूँ कि हाँ अब ठीक है, बेहतर आ रही है वीडियो। पहले मेरी सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी, 180 पे 1080 पे, अब मैंने इसके पिक्सल रखे हैं, पहले 720 पे थे। इधर से लोग आ ही रहे होते हैं। खैर साहब यार हाल है? नहीं वीडियो बना था भैया, अपनी मैं सराय की जबान में बोल रहा था, दोस्त को मेरा जानने वाला था, गाँव का था मेरा। बारिश हो रही है तो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा चैनल के ऊपर, तो फिलहाल तो बारिश नहीं हुई, बादल आए हुए हैं काफ़ी, तो यहाँ मैं आ गया था अकेला बिल्कुल, मैं और मेरी तन्हाई। ये पहाड़ है हमारे करीब, तो मैं यहाँ आ गया था, मैंने कहा चलो वीडियो बना लूँगा, मौसम इंजॉय कर लूँगा, अकेला बैठा हूँ कोई नहीं है। ये जी मौसम देखो, बादल हैं ऊपर लेकिन इतने वो सही नहीं नज़र आ रहे, बारिश का सीन हाथ लगने लग गया। ये जकड़ चल पड़े हैं, काफ़ी हवा धूल मट्टी वाली हवा चल पड़ी है। काफ़ी धूल मट्टी है, मोटरसाइकिल गिरा दिया है क्योंकि शरीर की सबकी हवा उड़ी थी, मैं खुद भी जो है उड़ने लगा था, मेरे चप्पल उड़ के यहाँ चले गए थे, यहाँ ये इधर ये नीचे मेरे चप्पल चल गए थे, मौसम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा जक्कड़ बारिश है, हवा चल रही है, तो मेरे चप्पल जो है ये वाले चप्पल नीचे, बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है, मैं यहाँ से आगे पीछे गई नहीं जा सकता, पूरा मोबाइल गिरने वाला, पूरा मोबाइल गिरने वाला। मोटरसाइकिल को कंट्रोल किया है, अब इसको मैं ले आया हूँ तो वापस जा रहा हूँ, बारिश का फिलहाल कुछ सीन नहीं लग रहा, बारिश अगर आती है तो घर से वीडियो बना लूँगा। माजरत के साथ यार मैंने बड़ी ख्वाहिश करके मैं आया था कि यार बारिश होगी तो बारिश की वीडियो बनाऊँगा, लेकिन जो कि बारिश हुई नहीं है, अल्लाह ताला का करना है,
अल्लाह ताला की कुदरत है और अल्लाह ताला कुदरत में हमारी हमारा कोई बस नहीं चलता। तो मैं अब जा रहा हूँ घर, तो इंशाल्लाह घर में जब बारिश अगर होती है तो मैं वहाँ घर से वीडियो बनाऊँगा। ओके जनाब, यह जो कितना खूबसूरत मंजर है, पहले ज़रा दो ज़्यादा अंधेरा था इस वजह से वीडियो सही नज़र नहीं आ रही। आप देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम है। ये जी वापसी की वापसी का इरादा कर लिया मैंने, क्योंकि यहाँ बारिश आई नहीं है और ज़रा मौसम ऐसे हो गया था कि यहाँ पे रुकना सेफ़ नहीं था, क्योंकि साथ में पहाड़ थे, बड़े बड़े पत्थर थे, तो तेज़ हवा से पत्थर अक्सर ना ऊपर से नीचे आते हैं रोड के ऊपर। तो बारिश भी टल गई थी, मैंने सोचा क्यों ना वापस घर चले जाते हैं। घर जाके अगर बारिश अल्लाह करे आ गई तो इंशाल्लाह फिर घर से ही इसको वीडियो बना के गाँव से वीडियो बनाऊँगा बारिश की। ये जी पहाड़ों से अब तकरीबन मैं उतर चुका हूँ। वापस घर जा रहा हूँ जी। मज़े का मौसम है लेकिन बारिश नहीं हुई। चलें जी, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला को जो मंजूर होगा वही होगा। तो जी वापसी की तरफ सफ़र जारी है। एक ख्वाहिश अर्ज़ लेकर आया था कि बारिश होगी तो उस स्पॉट पे मैं वीडियो बनाऊंगा जो हमारे इलाके में सबसे हाइट पर है, जो जहाँ से मैं पूरे इलाके को नीचे बैठ कर देख सकूँ ऊपर से। जी बारिश स्टार्ट हो गई है, मैं वहाँ पे था तो बारिश का सीन ऑन नहीं हो रहा था, अब बारिश आ गई है माशाल्लाह से। मैं चूँकि घर में हूँ तो मुझे घर की वीडियो बनानी पड़ गई है, अदरवाइज़ मेरा प्लान ये था कि वहाँ पे जाके वीडियो बनाता। ये जी बारिश स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी स्टार्ट होने लगी बारिश। सीन आने जी, बारिश का मौसम आ चुका है। ये मेरे घर का बगीचा सा है, सामने अनार लगा हुआ है। बारिश थम चुकी है, देखिए माशाल्लाह से हर चीज़ का रंग बड़ा सुहाना हो गया। और ये देखें माशाल्लाह से ये सब्ज़ा देखें, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आ गया हूँ मैं। ये आपने साथ में एक मस्जिद है, मस्जिद हक नवाज़। ये शाकिर खान नियाजी खड़ा है, नियाजी है तो नहीं, ये नमाज पढ़ने लगा हूँ यहाँ पे। अलैकुम जनाब, क्या हाल है? मैं आज से अपना खैसूर व्लॉग्स के नाम से अपना एक व्लॉगिंग चैनल ओपन करने लगा हूँ, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट अपनी वीडियो से कर लेता हूँ।
ये जी मेरा गांव है खिड़ी खसोर यूनियन कौंसिल है यहाँ की, मेरा इलाका है बड़ा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ अपनी वीडियोस को। पीछे मेरा घर था जिधर से मैं निकल रहा हूँ। मेरा गांव है जी, ये गांव की जो गली है, हमारे गांव का नाम दूरी ख्याल है। वहाँ से मदी ख्याल स्टार्ट होता है, वहाँ उस घर से, ये सामने वाले दो घरों से, तो ये दूरी ख्याल है सारा। आगे सामने लट्टी की दुकान है, लट्टी नाम है इसका, मशहूर मारूफ दुकानदार है। और ये हमारे गांव का मलंग है, बड़ा हड हरा मलंग है। मलंग हाल दे, ठीक हो दें? तेरी वीडियो बना, तेरी वीडियो है मलंग, तेरी वीडियो बना पी। कोई नहीं, वीडियो है हाँ मलंग, वीडियो बना पी तेरी शार दी। ये जी अपने मैं गांव खेतों की तरफ जा रहा हूँ, अपने गांव के सामने खेत हैं। ये गांव है मेरा, ये गांव के आगे जो है ना इस तरफ आबादी कम है, यहाँ खेत हैं ज़्यादातर। तो मेरा था दिल कि चलो पहले पहले मैं गांव के खेतों की वीडियो बनाऊँगा। यहाँ से पीछे सारा ये आबादी है और इस तरफ लोगों की खेती बाड़ी के सारे मामलात इधर ही होते हैं। मेरा गांव ज़िला डीआई खान है, केपी के प्रोविंस है मेरा, पाकिस्तान से। ये काफ़ी सरसब्ज इलाका है, इसमें एक तरफ वो आपको देखा नज़र आएंगे पहाड़ हैं, वो ये खैसोर को खैसोर है, ये बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। ये इस तरफ यहाँ से आगे अगर 2-3 किलोमीटर चले जाओ तो पंजाब का इलाका स्टार्ट हो जाता है, मियाँ वाली की तहसील पिपला वो स्टार्ट हो जाती है। और हमारा जो है उस तरफ पहाड़ हैं, पहाड़ों से आगे इस तरफ सामने भी एक नहर है, छोटी नहर है। और यहाँ इस पहाड़ के जो आगे हैं, इन पहाड़ से आगे भी एक नहर है चश्मा राइट बैंक के नाल, जिसको CRBC कहते हैं। यहाँ पे छोटा नहरी नाला समझ लें, छोटी नहर है इस तरफ। तो लोगों का ज़्यादातर खेती बाड़ी का काम है, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी ज़मीन है लोगों की। आपको देखें खजूरों के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बाग, खजूरों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है। हमारे हम खुद जो मेरा अपना बिजनेस है खजूर का, हम लोग खजूर और छुहारा बना के इंडिया एक्सपोर्ट कर देते हैं, कंपनीज़ को देते हैं, कंपनी वाले एक्सपोर्ट कर देते हैं। बाकी आपको इलाके में हर तरफ सब्ज़ा नज़र आएगा, हर तरफ खजूर नज़र आएंगे, और इन खजूरों से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान के लिए। ये भी तुम्हें महीने बाद ये खजूर तैयार हो जाएंगे, अभी ये जो है ना कच्चे हैं, तो इंशाल्लाह ये महीने बाद ये भी तैयार हो जाएंगे। आपको सामने खजूरों की नर्सरी नज़र आ रही है, मैं वहाँ भी लेके जाता हूँ। ये नर्सरी बड़ी अच्छी नर्सरी है, ये मेरे एक दोस्त की है, इधर मेरे गांव का है, उन्होंने बनाई हुई है। तो इस नर्सरी की तकरीबन उम्र 2 साल होने वाली है, और ये पर जो नर्सरी के पौधा है, फी पौधा की कीमत तकरीबन ये 3000+ है। ये अभी सीज़न चल रहा है, अगले 3-4 महीने ये सीज़न चलता रहेगा, बल्कि दिसंबर तक चलता रहेगा, यानी सर्दी आने तक ये सिलसिला चलता रहता है। ये नर्सरी है, इसी नर्सरी को वो यहाँ से ले जाते हैं और दूसरी जगह इसको बो देते हैं, जहाँ पर बाग बनाना होता है। इसका यहाँ पे फासला बहुत थोड़ा है, लेकिन जब इसको एज ए बाग इस लगाएंगे तो इसका फासला बढ़ाया जाता है। ये अकबर ख्याल का प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे, और वो सामने घर हैं। ये माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सरसब्ज इलाका है मेरा, गांव है मेरा दूरी ख्याल। इसके अलावा आप जिधर भी देखें आपको खजूर नज़र आएंगे, हर तरफ नज़र दौड़ाएँ, वो हमारे खजूर सामने खड़े हैं। बाकी भी बाग हैं दूसरी जगह, हर लोगों के तकरीबन हर घर के अंदर जो है ना खजूर हैं। और ये वो खजूर हैं जिनको ढकी खजूर कहा जाता है, नर खजूर है, नर से मुराद बड़े साइज़ का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइज़ खजूर का सिर्फ यहीं पर होता है।
तो ये कुछ मैं आपको दिखा रहा था अपने गांव के बारे में। अभी तकरीबन सुबह के 10:30 बजे हैं, गर्मियों का थोड़ा मौसम है अभी ऑन हो गया है। आज 1 जुलाई है। ये खजूर का एक पौधा जो है 1000 पैसे लेकर, ये जो खजूर है यानी कि जब इसका सीज़न आता है ना, अब अगस्त में इसकी कटाई शुरू हो जाएगी, तो 1000 रुपये इसकी कीमत होती है इसके फल की। यानी हम लोग इसके ऊपर से खजूर काट के ले जाएंगे, फिर अगले साल इसकी फिर जो है प्राइस लगेगी 1000 या 2000 या 3000, मैक्सिमम 3000 तक जाती है, मिनिमम 1000 रुपये। अभी पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी खजूर की कीमत थोड़ी हुई है। अदरवाइज एक खजूर की जो दरख्त है उसकी कीमत 3000-4000 तक चली जाती है। ये भूसा है जी, लोगों ने यहाँ पे अपने गंदम की थ्रेशर वगैरह लगाई है, तो यहीं पे भूसा उन्होंने यहाँ फिक्स कर दिया, फिर यहाँ से ले जाते हैं। अभी तक भी हमारे गांव में कच्ची दीवारें हैं लोगों की, आल दो के आजकल कच्ची का रवाज कम हो गया, लेकिन हवेलियाँ अभी भी कच्ची हैं। कमरे तो कच्चे आजकल कोई नहीं बनाता मिट्टी के, लेकिन देखिए इसी घर की भी हवेली जगह कच्ची है, लेकिन ईंटों से बना हुआ पक्का मकान है। ये वो सड़क है जहाँ से लोग डेली अपने घास काटने के बाद, वो आप देखें आपको नज़र आ रही खोते रही नज़र आएगी गदा गाड़ी, यहाँ से लोग काट के ले जाते हैं वहाँ वो घरों को अपने घास फूस। जी ये गली है मेरे गांव की। मौसम आजकल थोड़ा खुशगवार है, 2 दिन पहले बारिश आई थी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हर घर के अंदर खजूर है। पीछे वाले घर में आपको दिखाना भूल गया था, यहाँ पे देखें ये खजूर है, आप यहाँ पे नजर आ रही है। ट्रैक्टर जा रही है। मेरे मामू की दुकान है, हार्डवेयर स्टोर है। थोड़ा सा और व्यू आपको दे दूं, ये खैसोर हार्डवेयर स्टोर है। खैसोर चूँकि मेरे चैनल का नाम भी खैसोर व्लॉग्स है, खैसोर टेक है, खैसोर टीवी है। ये मामू की दुकान है, हार्डवेयर स्टोर है इनका। यहाँ पे सीमेंट वगैरह मिलता है, पाइप सीमेंट, ये गैस है। बाकी ये मेरे मामू की जो है इसका घर है, ऊपर नीचे इसकी मार्केट है, जो कि अभी तक फ़िलहाल फंक्शनल सारी नहीं हुई, थोड़ी दुकानें किराए पर लगी हैं। बाकी आप वहाँ देखें आपको खजूर नज़र आएंगे, हर तरफ खजूर ही खजूर है हमारे गांव में, हमारे इलाके खजूर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। खैसोर हार्डवेयर स्टोर दूरी खेल। यहाँ पे दुकान है ये इसकी, जूस की है। ये मेरे कज़न नदीम है, मेरे लिए जूस बना रहे हैं। इनका मोबाइलों का दुकान कारोबार भी है, ये देखें जी। अभी तक इनका कोरोना की वजह से सेटअप थोड़ा बिखरा पड़ा है, कुछ और जगह में सामान पड़ा है, कुछ यहाँ पड़ा है, तो ये जूस बना रहे हैं मेरे लिए। बर्फ पड़ी है जी। अब नदीम खान बर्फ की रगड़ाई करेंगे। अरे क्या की तारी वीडियो बनावा, ये इश्तियाकी इधर वीडियो वैसी पूरी दुनिया में। हाँ तू क्या बंद नहीं बंद जरा सना बंद लोगन तो
ਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਆਂ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਸੀ ਦੇਖਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਤੇ ਮਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਦੀਮ ਦਾ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬismillahir rahman nir rahim ਅੱਛਾ ਜੂਸ ਹੈ ओके जी, ये तो था मेरा आज का पहला व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तेरी वीडियो बनाऊं क्या? मेरी सईद मैकेनिक मेरी मोटरसाइकिल को ठीक करते हुए अभी चश्मा राइट बैंक के नाल है, वहाँ खड़ा हूँ। गर्मी है शदीद ज़्यादा। बच्चे नहा रहे हैं यहाँ पे। शाल कर तू आ भी दाना मोटू। ये गर्मी का भाई समा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कोई 10 बजे का टाइम है, काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, तो बच्चे नहा रहे हैं। तू अदनान दा फिराए, अदनान दा फिराए तू। मोटू गर्मी है यार, शदीद गर्मी है।
हाँ ना जोड़ी ये जी नहर पे लड़के नहा रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं, बड़े बच्चे सब नहा रहे हैं। तू भी मार ले, तू भी मार, मैं तेरी वीडियो बनाना। रोड की सरकार है कमला बड़ा जान है ये यूट्यूब से जान है ये बच्चे नहा के बस घर जाने के लिए रेडी खड़े हैं। और ये हमारे गांव का मलंग है, बड़ा हड हरा मलंग है। मलंग हाल दे ठीक होते हैं, तेरी वीडियो बना, तेरी वीडियो है मलंग, तेरी वीडियो बना पी कोई नहीं वीडियो है। हाँ मलंग वीडियो बना पे तेरी शार दी। ये जी अपने मैं गांव खेतों की तरफ जा रहा हूँ, अपने गांव के सामने खेत हैं। ये गांव है मेरा, ये गांव के आगे जो है ना इस तरफ आबादी कम है, यहाँ खेत हैं ज़्यादातर। तो मेरा था दिल कि चलो पहले पहले मैं गांव के खेतों की वीडियो बनाऊंगा। यहाँ से पीछे सारा ये आबादी है और इस तरफ लोगों की खेती बाड़ी के सारे मामलात इधर ही होते हैं। मेरा गांव ज़िला डीआई खान है, केपी के प्रोविंस है मेरा, पाकिस्तान से। ये काफ़ी सरसब्ज इलाका है, इसमें एक तरफ वो आपको देखा नज़र आएंगे पहाड़ हैं, वो ये खैसोर को खैसोर है, ये बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। ये इस तरफ यहाँ से आगे अगर 2-3 किलोमीटर चले जाओ तो पंजाब का इलाका स्टार्ट हो जाता है, मियाँ वाली की तहसील पिपला वो स्टार्ट हो जाती है। और हमारा जो है उस तरफ पहाड़ है, पहाड़ों से आगे इस तरफ सामने भी एक नहर है, छोटी नहर है। और यहाँ इस पहाड़ के जो आगे हैं, इन पहाड़ से आगे भी एक नहर है चश्मा राइट बैंक कैनाल, जिसको CRBC कहते हैं। यहाँ पे छोटा नहरी नाला समझ लें, छोटी नहर है इस तरफ। तो लोगों का ज़्यादातर खेती बाड़ी का काम है, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी ज़मीन है लोगों की। आपको देखें खजूरों के यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बाग, खजूरों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है। हमारे हम खुद जो मेरा अपना बिजनेस है खजूर का, हम लोग खजूर और छुहारा बना के इंडिया एक्सपोर्ट कर देते हैं, कंपनीज़ को देते हैं, कंपनी वाले एक्सपोर्ट कर देते हैं। बाकी आपको इलाके में हर तरफ सब्ज़ा नज़र आएगा, हर तरफ खजूर नज़र आएंगे। और
इन खजूरों से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान के लिए। ये भी तीन महीने बाद ये खजूर तैयार हो जाएंगे, अभी ये जो है ना कच्चे हैं, तो इंशाल्लाह ये महीने बाद ये भी तैयार हो जाएंगे। आपको सामने खजूरों की नर्सरी नज़र आ रही है, मैं वहाँ भी लेके जाता हूँ। ये नर्सरी बड़ी अच्छी नर्सरी है, ये मेरे एक दोस्त की है, इधर मेरे गांव का है, उन्होंने बनाई हुई है। तो इस नर्सरी की तकरीबन उम्र 2 साल होने वाली है, और ये पर जो नर्सरी के पौधा है, फी पौधा की कीमत तकरीबन ये 3000+ है। ये अभी सीज़न चल रहा है, अगले 3-4 महीने ये सीज़न चलता रहेगा, बल्कि दिसंबर तक चलता रहेगा, यानी सर्दी आने तक ये सिलसिला चलता रहता है। ये नर्सरी है, इसी नर्सरी को वो यहाँ से ले जाते हैं और दूसरी जगह इसको बो देते हैं, जहाँ पे बाग बनाना होता है। इसका यहाँ पे फासला बहुत थोड़ा है, लेकिन जब इसको एज ए बाग इस लगाएंगे तो इसका फासला बढ़ाया जाता है। ये अकबर ख्याल का प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे, और वो सामने घर हैं। ये माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सरसब्ज इलाका है मेरा, गाँव है मेरा दूरी ख्याल। इसके अलावा आप जिधर भी देखें आपको खजूर नज़र आएंगे, हर तरफ नज़र दौड़ाएँ, वो हमारे खजूर सामने खड़े हैं। बाकी भी बाग हैं दूसरी जगह, हर लोगों के तकरीबन हर घर के अंदर जो है ना खजूर हैं, और ये वो खजूर हैं जिनको ढकी खजूर कहा जाता है, नर खजूर हैं। नर से मुराद बड़े साइज़ का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइज़ खजूर का सिर्फ यहीं पर होता है। तो ये कुछ मैं आपको दिखा रहा था अपने गाँव के बारे में। अभी तकरीबन सुबह के 10:30 बजे हैं, गर्मियों का थोड़ा मौसम है अभी ऑन हो गया है, आज 1 जुलाई है। ये खजूर का एक पौधा जो है 1000 पैसे लेकर, ये जो खजूर है यानी कि जब इसका सीज़न आता है ना, अब अगस्त में इसकी कटाई शुरू हो जाएगी, तो 1000 रुपये इसकी कीमत होती है इसके फल की, यानी हम लोग उसके ऊपर से खजूर काट के ले जाएँगे, फिर अगले साल इसकी फिर जो है प्राइस लगेगी 1000 या 2000 या 3000, मैक्सिमम 3000 तक जाती है, मिनिमम 1000 रुपये। अभी पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी खजूर की कीमत थोड़ी हुई है, अदरवाइज़ एक खजूर की जो दरख्त है उसकी कीमत 3000-4000 तक चली जाती है। ये भूसा है जी, लोगों ने यहाँ पर अपनी गंदम की थ्रेशर वगैरह लगाई है, तो यहीं पर भूसा उन्होंने यहाँ फिक्स कर दिया, फिर यहाँ से ले जाते हैं। अभी तक भी हमारे गांव में कच्ची दीवारें हैं लोगों की, आल दो के आजकल कच्ची का रवाज कम हो गया, लेकिन हवेलियां अभी भी कच्ची हैं, कमरे तो कच्चे आजकल कोई नहीं बनाता मिट्टी के, लेकिन देखिए इसी घर की भी हवेली जगह कच्ची है, लेकिन ईंटों से बना हुआ पक्का मकान है। ये वो सड़क है जहाँ से लोग डेली अपने घास काटने के बाद, वो आप देखें आपको नज़र आ रही खोते रही नज़र आएगी गदा गाड़ी, यहाँ से लोग काट के ले जाते हैं वहाँ वो घरों को अपने घास फूस जी। ये गली है मेरे गांव की, मौसम आजकल थोड़ा खुशगवार है, 2 दिन पहले बारिश आई थी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हर घर के अंदर खजूर है। पीछे वाले घर में आपको दिखाना भूल गया था, यहाँ पे देखें ये खजूर है, आप यहाँ पे नजर आ रही है। ट्रैक्टर जा रही है, मेरे मामू की दुकान है, हार्डवेयर स्टोर है। थोड़ा सा और व्यू आपको दे दूं, ये खैसोर हार्डवेयर स्टोर है, खैसोर चूँकि मेरे चैनल का नाम भी खैसोर व्लॉग्स है, खैसोर टेक है, खैसोर टीवी है। ये मामू की दुकान है, हार्डवेयर स्टोर है उनका। यहाँ पे सीमेंट वगैरह मिलता है, पाइप सीमेंट्स, ये गैस है, बाकी ये मेरे मामू की जो है इसका घर है, ऊपर नीचे इसकी मार्केट है,
क्योंकि अभी तक फिलहाल फंक्शनल सारी नहीं, थोड़ी दुकानें किराए पे लगी हैं। बाकी आप वहाँ देखें, आपको खजूर नज़र आएंगे, हर तरफ खजूर ही खजूर है हमारे गाँव, हमारे इलाके खजूर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। खैसोर हार्डवेयर स्टोर दूरी खेल, यहाँ पे दुकान है ये, इसकी जूस की है। ये मेरे कज़न नदीम है, मेरे लिए जूस बना रहे हैं। इनका मोबाइलों का दुकान कारोबार भी है, ये देखें जी। अभी तक इनका कोरोना की वजह से सेटअप थोड़ा बिखरा पड़ा है, कुछ और जगह में सामान पड़ा है, कुछ यहाँ पड़ा है, तो ये जूस बना रहे हैं मेरे लिए। बर्फ पड़ी है जी, अब नदीम खान बर्फ की रगड़ाई करेंगे। अरे क्या की तारी वीडियो बनावा, ये इश्तियाकी तेरी वीडियो वैसी पूरी दुनिया के बीच। हाँ तू क्या बंद नहीं बंद जरा सना बंद लोगन मैं कल कहना साहब आई के चेक करना पड़ी, नदीम का जूस तैयार हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अच्छा जूस है। ओके जी, ये तो था मेरा आज का पहला व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।